नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत यूक्रेन और रूस के मामले को लेकर। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है, इस जंग में दोनों तरफ बड़ा स्तर पर नुकसान हो रहा है, दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। हालांकि यूक्रेन की मदद के लिए कई देश आगे भी आते नजर आए हैं। नेटो जो सदस्य है वो भी यूक्रेन की धीरे धीरे मदद कर रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन मुद्दे पर भारत में जमकर राजनीति हो रही है और खुलकर कांग्रेस इस पर बात कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में कई बच्चे फंसे हैं, कई भारतीय बच्चे हैं जिन्होंने कुछ खाया नहीं है, जिनके पास अच्छे कपड़े पहनने के, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास जो है काफी चीजें नहीं है। तो ये देखा जा रहा ना कि बहुत बड़े हद तक आज बदलाव हो रहा है, यानी कि कांग्रेस है उस मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस यूक्रेन में फंसे बच्चों के मुद्दों को उठा रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में किन्हीं और चीजों का जिक्र करते, अपने भाषण में वो किसी और बात का जिक्र करते। तो आज ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप है। और ये देखा भी जा रहा है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद छिड़ा है, युद्ध जो छुड़ा है, इसमें कहीं ना कहीं भारत को भी बड़े स्तर पर नुकसान होता नजर आएगा। हालांकि भारत सरकार ने बड़े स्तर पर प्रयास किया, ऑपरेशन गंगा के तहत कई बच्चों को वो भारत लेकर आई, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो फंसे हुए। यहां तक की खबर सामने आई है कि जो बच्चे भारत आ रहे हैं वो डबल पैसा दे रहे हैं टिकट के लिए। तो देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है, जबकि भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन बच्चों को किसी भी तरह से लेकर आए, लेकिन डबल पैसा देकर वो लोग टिकट ले रहे हैं और उससे उस पर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार केवल और केवल दिखावे की राजनीति कर रही है और विपक्ष आज खुलकर बात कर रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए चाह दीजिए नमस्कार।